नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वीआर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो सके। साथ में ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, बात करने वाला हूँ। आज 17 रुपये का शेयर मिल रहा है मात्र 3 रुपये के प्राइस में, और 71 पैसे के स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। स्टॉक में रोज धमाका हो सकता है क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक में इंक्रीज हुई थी। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो स्टॉक है हमने बहुत पहले आपको सजेस्ट किया था, 2 रुपये 50 पैसे या 2 रुपये 30 पैसे का सजेस्ट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और रीज़न सजेस्ट करने का क्या था, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई थी, ये एक रीज़न काफ़ी था स्टॉक को रिकमेंड करने के लिए, राइट। और साथ में बोल देना चाहता हूँ, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा पेन स्टॉक आपको। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये पेन स्टॉक नहीं है, इसको एड ऑन करो। और साथ में बोल देना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का जनरल व्यू है, प्लीज़ खुद की एक बार रिसर्च जो भी आपको आता है, जितना नॉलेज है उसको ऐड कर लेना। और अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए। अब मुझे पता है बहुत सारे स्टॉक मार्केट में जो कोर्स है 200 रुपये से लेकर आपका 2 लाख रुपये तक के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास 200 रुपये भी नहीं है और सीखना चाहती हो, ठीक है, सीखने की कुछ चाह है, तो सिंपली क्या करो, इस वीडियो को शेयर कर दो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिसके साथ करना वहाँ शेयर कर दो। और उसके बाद डायरेक्ट मुझे रीच आउट करो, मेल करो, जो करना करो, लेकिन करो पक्का। कहाँ पर देख लो, ये रहा, तो मुझे आप यहाँ करो, ठीक है, ट्विटर में, राइट, विवेक राणा 209 करके आईडी, या तो आप मुझे यहाँ कर सकते हो, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। हर हर व्यक्ति करता है, तो आप लोग भी करो, ठीक है। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर फॉलो कर लो, यहाँ मैसेज कर लो, जो वीडियो आप शेयर करोगे इसका स्क्रीनशॉट पक्का मैसेज करना, ताकि मैं आपको वीडियोस के लिंक दे सकूँ। हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, अभी क्लास 29 हो चुकी है, 30वीं क्लास आपको मैं दे दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, और यहाँ पर मैसेज कर देना, तब मैं आपको क्लासेस की लिंक दे दूंगा, राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जिस स्पेनिश स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जो 17 रुपये के रियल वैल्यू स्टॉक हमें देखने को मिलती है, लेकिन ट्रेड कर रहा है मात्र 3 रुपये के आसपास। आप देख सकते हो, स्टॉक का नाम SVC इंडस्ट्री है, जिसका पुराना नाम ATB पेट्रो करके था। तो एक पेट्रोकेमिकल स्टॉक आप इसको बोल सकते हो, राइट। प्लेज होल्डिंग मात्र 2% के आसपास है, राइट। और आप देख सकते हो कंपनी आपको कैसे लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो अपना विचार, ठीक है। आपको नाम याद आ गया होगा, स्टॉक आपको सजेस्ट किया था, बुक से काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। साथ में देखो पेट्रोकेमिकल का स्टॉक है, राइट, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा स्टॉक में घट सकता है। आप सेल्स देख सकते हो, कंपनी की 17 लाख 13 लाख के आसपास है, मतलब सेल्स बहुत नैरो है बट डाउन है। प्रॉफिट देखो 60 लाख का लॉस था, उससे पहले 2 करोड़ का लॉस था, तो मतलब कंपनी लगातार आपको लॉस दे रही है। बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस, तो देखो कंपनी के लॉस आपके सामने है, ठीक है। और आप मुझे फिर भी क्यों लगता है स्टॉक ऊपर जा सकता है, देखो मुझे क्यों लगता है, मैंने आपको एक बात बोली है, स्टॉक मार्केट ना कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो नहीं करती है। कहने का मतलब 10 में से 5 बार तो फॉलो करेगी, लेकिन 5 बार फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो भी स्टॉक है ये फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। कोविड के बाद जो रैली आई ऊपर की तरफ, आपने कभी सोचा था इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही होता है, जो हम सोचते नहीं है स्टॉक मार्केट में वही होता है, ठीक है। आज 1 रुपये का स्टॉक 100 रुपये चले जाता है, और 100 रुपये का स्टॉक 1 रुपये हो जाता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था वो स्टॉक 100 से 1 आ जाता है, और जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि 100 होगा वो 100 के 1 से 1000 हो जाता है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट, और यही है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो बिलीव करना सीखो, रिसर्च करना सीखो, रिसर्च में बिलीव करना सीखो, ठीक है। यहाँ रिसर्च काम आती है, ना कि आपका किसी ने बोल दिया ये ले लो वो ले लो, लेकिन रिसर्च में बिलीव करो, अपनी रिसर्च पे। और ये जो भी स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल रिसर्च, जो मैं आपको वीडियो के अंदर बता देता हूँ। अब आप पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग फॉलो करते हैं और कितने लोग फॉलो नहीं करते। बोल देना चाहता हूँ भाई, स्टॉक मार्केट लक का खेल नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है, रिसर्च है, और डिसिप्लिन का खेल है। एनालिसिस करोगे तभी पैसा बनेगा, नहीं अदरवाइज नहीं बनने वाला, ठीक है। आप अगर 10 स्टॉक सेलेक्ट करो, 10 में से 9 तो डेफिनेटली आपके देखो पैसा बना के देंगे, लेकिन 1 या 2 आपके स्टॉप लॉस भी होंगे, अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ या पोजिशनल स्विंग की बात कर रहा हूँ। तो ये 1-2 जो लॉस आपने लिया ना, ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मुझे पता है कि अगर आप डिसिप्लिन बंदे नहीं हो, जैसे मैं तो भैया बहुत नालायक बोल सकती हूँ, डिसिप्लिन तो कभी फॉलो करता ही नहीं, बहुत लेजी बंदा हूँ, ठीक है। तो भाई मेरे लिए तो देखो होता क्या है, यहाँ पर दिक्कतें क्या आती है जो मैं बताता हूँ आपको, आती है पोजीशन साइजिंग में। मानो कि 9 ट्रेड आपने लिए किसी स्टॉक पे, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड थे, प्रॉफिट आपको बना, लेकिन जो 1 ट्रेड आप लोगे वो उसमें आपका पोजीशन साइजिंग गलत हो जाता है, और वही आपका पूरा लॉस, मतलब जो प्रॉफिट कमाया है वो लेके चले जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस, ये प्रोसेस है भाई, ठीक है, ये होगा, ठीक है। आपने सुना होगा कि हमने स्टॉक मार्केट पे अपने 5 अकाउंट खाली कर दिए, 5 अकाउंट खाली करने के बाद अगले 5 अकाउंट हमें इतना पैसा बना के देके चले गए जिसकी कोई हद नहीं है। ये होता है, ये प्रोसेस है, अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे तो डेफिनेटली फिर आपको नुकसान ही होगा। इसलिए बोल रहा हूँ
प्रोसेस को एंजॉय करो, और एंजॉय भी तभी कर सकते हो जब आपके पास पैसा हो, पैसा हो और साथ में उतना पैसा हो जितना आप खोने के रेडी हो। एक तो ये ठीक है, स्टॉक मार्केट इसी का नाम है यार, जो पैसा यहाँ से पहले खोएगा वही कमाएगा। जिसने शुरू में पहले पैसे कमा लिया वो बाद में फिर जिंदगी भर खोता है, ये तो है रियलिटी। इसलिए बोला जाता है पहले खो दो उसके बाद कमा लो, क्योंकि भैया खोने के बाद फिर आपको, फिर आपका जो ईगो होता है ना वो नहीं आता सामने। लेकिन अगर आप जब कमा लेते हो तो आपका ईगो आ जाता है, एटीट्यूड सामने आ जाता है, एटीट्यूड ये मैं तो कमा लिया, मैं तो भाई सुप्रीम हूँ, ऐसे ऐसे करके फिर आप कहीं कहीं रहते। इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई। तो आपके सामने कुछ ज्ञान दे रहा था जो आपको मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता है कभी कभार, लेकिन ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये ज्ञान फ्री मिल रहा है, कल ये ज्ञान का हम पैसा लिया करेंगे ठीक है। वक्त वक्त के वक्त 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 का समय है, वक्त वक्त का टाइम होगा, है ना भाई। अब बात कैसे होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग 47% है राइट, 52% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। आप देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट इंक्रीज हुई है 5% के आसपास ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर। बात करते हैं एनएससी बीएससी में कैसा काम काज हो रहा, तो देख लो एक बार आप भी ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूँ, एसबीएससी इंडस्ट्री तीनों में कैसे ट्रेड कर रहा है आप गूगल कर लेना ठीक है। साथ में आप स्टॉक का नाम भी गूगल कर लेना, विवेक राणा के स्टॉक के साथ आपको मिल जाएगा ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ, तो बीएससी में देखो ऑलमोस्ट 100% का माल लेकर लेके गए। एनएससी में यहाँ टेक्निकल ग्लिच नहीं, एनएससी में ट्रेड नहीं करता है छोड़ दो, है ना। तो बीएससी में करता है, उसमें 100% का माल लोग घर लेके गए ठीक है भाई। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और यही बोलूंगा, डेफिनेटली इस स्पेनिश स्टॉक को नजरों में रखो राइट। ये 17 रुपये भैया मुझे लगता आ सकता है ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ लगता आ सकता है, और मुझे लगता है क्या ये पक्का आएगा। पक्का का मतलब ये मत समझना कि बड़ा पैसा लगा दो ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, जो आपका 1 लाख रुपये कैपिटल है उसका छोटा सा हिस्सा लगाना है। अगर 1 लाख रुपये कैपिटल तो मात्र 2 से 5% हिस्सा इन्वेस्ट करो, इससे ज़्यादा मत करो भैया। लालच करोगे तो भैया गड्ढे में गिर जाओगे। लालच मत करो, दिमाग से प्ले करो। दिमाग से प्ले कैसे किया जाता है, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके। अगर ये स्टॉक ले रहे हो तो साथ में कोई दूसरा स्टॉक भी लो आपका बैकअप, एज अ बैकअप ठीक है। जैसे बड़ा कोई बड़ा स्टॉक ले लो, हमारा राजा बैटरी ले लो, टीसीएस ले लो, ताकि आपका बैकअप बना जाए, आपका बैलेंस बना रहे ठीक है। और लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो भैया समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ मैं ठीक है। लग जाएंगे, लग जाएंगे बड़े वाले ठीक है भाई। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना। बाय, दुआ दुआ बात।